नेचुरल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए और जो है हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहला चीज तो ये है कि हम लोग इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं या खुद जो है कई सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी कौन सी एक्टिविटी, हमारा कौन सा डिसीजन या हमारा कौन सा च्वाइस जो है इन्वायरमेंट को किस तरह से अफेक्ट करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है या उसको फायदा पहुंचाता है। इन सब चीज़ों से हमें अवेयर होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जब हम जानेंगे तब जो है सही डिसीजन ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो उसके बारे में कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो इनको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि पहले बताया, फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज We need to make environment-friendly decisions, for which we need to know how our choices and decisions affect our environment. तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें awareness बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जब aware होंगे कि किस तरह से हमारे choices और हमारे decisions जो हैं हमारे environment को affect करते हैं, तभी जा करके सही तरीके से हम लोग decision ले सकते हैं, ठीक। इसके आगे बताया, दीज इफेक्ट्स मे बी इमीडिएट और लॉन्ग टर्म और लॉन्ग रेंजिंग, है ना। ये जो इफेक्ट्स हैं जो इन्वायरमेंट पर होता है हमारी एक्टिविटी से, हमारे डिसीजन से, वो कुछ इफेक्ट्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, इमीडिएट होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। जैसे हम लोग घर में पानी बर्बाद करते हैं कई बार, है ना, पानी इधर उधर यूज कर लेते हैं, हमें लगता है कोई निकल आ जाएगा, कल नहीं आ जाएगा तो बारिश होगी तो आ जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं, है ना। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो जब हम पानी को सही तरीके से यूज नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है ना। कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि यहाँ पर आप पानी निकाल ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा नीचे पानी चले जाएगा। तो इस तरह से वो हम लोग सोचते हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन एक्चुअली में हमारे इन्वायरमेंट को लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये है कि हमारे डिसीजन जो है वो इन्वायरमेंट को कई तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी अफेक्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि गाड़ी है, व्हीकल चलाते हैं हम लोग, डीजल व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो उसमें से जो है जो पॉल्यूशन निकल रहा है वो डायरेक्टली हमें अफेक्ट कर रहा है, इमीडिएट अफेक्ट करता है वो, ठीक। और जो है जैसे पानी वाला एग्जाम्पल दिया, वो जो है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट करता है। इसी तरह से जो पोल्यूशन है वो धीरे धीरे हमारा जो ओजोन लेयर है उसको धीरे धीरे गायब कर रहा है, तो एक्चुअली में उसका कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी आता है, ठीक। आगे कहा गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनकरेजेज द डेवलपमेंट ग्रोथ दैट मीट करेंट बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि अभी जो हमारी जरूरतें हैं उसको पूरा तो करता है, लेकिन इस तरह से पूरा करता है कि इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाता, कोई हानि नहीं पहुंचाता है। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट। इसमें से हमारा काम भी हो जाता है, जो सुविधाएं हमें चाहिए, जो प्रोडक्ट्स हमें चाहिए वो मिल भी जाता है, और हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो जेम के तेम बने भी रहते हैं और नहीं तो कम घटते हैं, या उनका जो पोल्यूशन हो रहा है पोल्यूशन से हम बचा सकते हैं उनको, ठीक। ये कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद आगे बताया गया, सो दैट नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर आवर फ्यूचर जेनरेशन। तो अल्टीमेटली बात यह है कि एनवायरमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेज को सेव क्यों करना है, क्योंकि हमारे फ्यूचर जनरेशन को वो यूज करना है इसलिए। दस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंप्लाइज अ ग्रोथ इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, है ना। हर तरीके से जो लाइफ का डेवलपमेंट है वो होना चाहिए, जो ग्रोथ है वो होना चाहिए, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है। मतलब हमारी सुविधाएं बढ़नी चाहिए, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए, फ्यूचर जनरेशन तक आगे जाएं, आगे वो यूज करें। ऐसा नहीं कि हमने अभी सुविधाएं अपने लिए बहुत सारे प्रोडक्ट तो पैदा कर लिए, लेकिन इतना सारा पॉल्यूशन पैदा कर दिया कि हमारा फ्यूचर जनरेशन जो है वो उसको यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। इतना सारा नेचुरल रिसोर्स हमने बर्बाद कर दिया कि उनके लिए कुछ बचा ही नहीं, अभी हमने सारा यूज कर लिया। तो
इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि हर तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब सुविधाएं बढ़ रही हैं, प्रोडक्ट बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो इस तरह से होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जिसको बोलते हैं उस हिसाब से होना चाहिए कि वो जो सुविधाएं हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग लंबे समय तक यूज करें, हमारा फ्यूचर जनरेशन जो है वो भी यूज करें, है ना। तो आगे बताया गया, एक्चुअली इट इज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफी लंबे समय तक चलता रहे, इसलिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यूज करना चाहिए। ठीक, अब आगे एक पॉइंट आता है, व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज को यूज क्यों, रिसोर्सेज को मैनेज करने की क्यों जरूरत पड़ती है ना। तो इसमें मैंने तीन पॉइंट लिखे हैं यहां पर। पहला पॉइंट है, वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज बिकॉज दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे माइंस है ना, आयरन है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, कोल है, ये सारे जो हैं लिमिटेड है, ठीक है, तो उनको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके यूज करेंगे जैसे जरूरत होगी, तो वो ज्यादा दिन तक वो रह सकते हैं, ज्यादा दिन तक हम लोग उनका यूज कर सकते हैं, उनकी सुविधाएं ले सकते हैं, तो इसलिए हमें मैनेज करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स जो है वो लिमिटेड मात्रा में है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है तो उन सब की डिमांड भी बढ़ती जाएगी, है ना। तो डिमांड बढ़ेगी और आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी उन चीजों की जरूरत रहेगी, तो इसलिए इनको मैनेज करने की जरूरत है, ताकि जब पॉपुलेशन बढ़ रहा हो तो हर पॉपुलेशन की डिमांड भी पूरी हो जाए, साथ में आगे वाला जो जनरेशन है वो भी उसको यूज कर पाए, इस तरह से मैनेज करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है, सिंस दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज सो इट नीड्स टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एवरी इंडिविजुअल वेदर ही इज रिच और पुअर। तो चूंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है कि प्रकृति ने हमें दिया है, हमने खुद उसको नहीं बनाया है ना, तो प्रकृति ने दिया है, नेचर ने दिया है, तो उस पर सबका अधिकार है ना। तो चाहे आदमी अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए वो सुविधाएं, वो प्रोडक्ट जो है अवेलेबल कराना चाहिए। तो यहां पर मैनेजमेंट का मतलब यही है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो गरीबों में भी बंटने चाहिए, वो अमीरों में भी बंटना चाहिए, ऐसा नहीं कि अमीर लोग उसको सारा यूज कर लें, गरीब लोग यूज भी नहीं कर पाए, है ना, जबकि उनका भी उस पर अधिकार है, तो इसको भी एक तरह से मैनेज करने की जरूरत होती है ना। तो ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, सिंस दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब हमने नहीं बनाया है, प्रकृति ने हमें दिया है ना, सो इट नीड्स टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एवरी इंडिविजुअल वेदर ही इज रिच और पुअर। तीसरा पॉइंट है, नेचुरल रिसोर्सेज नीड्स टू बी मैनेज बिकॉज ओवर एक्सप्लॉयटेशन में डैमेज आवर एनवायरमेंट लाइक बर्निंग ऑफ वेस्ट मटेरियल कॉजेज पोल्यूशन। तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कई बार हम लोग उनको ज्यादा यूज कर लेते हैं, कम भी यूज करें, जरूरत नहीं कि आप ज्यादा यूज करें, अगर कम भी यूज कर रहे हैं तो इस तरह से यूज करना चाहिए कि हमारे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचे, है ना। कई सारी चीजें होती है जैसे कि वेस्ट मटेरियल है तो हम लोग उसको दूसरे तरीके से भी डिस्पोज कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, आप देखेंगे कि लोग जो है उसको जला देते हैं, जला देने से क्या होता है, धुआं उठता है, धुआं उठता, पॉल्यूशन फैलता है, तो पॉल्यूशन जो है हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो अगर इसको हम मैनेज नहीं करेंगे कि इसको जो बर्निंग है उसको रोकेंगे नहीं, तो क्या होगा, बहुत सारा जो है पॉल्यूशन फैलेगा और कई सारे दिक्कतें आएंगी, बीमारियां फैलेंगी, कई सारी चीजें दिक्कतें आ सकती हैं, है ना। तो इस तरह से भी कंट्रोल करने की जरूरत है, हो सकता है हम कम यूज कर रहे हो, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कम यूज कर रहे हो, लेकिन कैसे यूज कर रहे हैं वो भी ज्यादा जरूरी है, उसको इस तरीके से नहीं यूज करें कि पॉल्यूशन फैलाए या आसपास में जो कुछ भी हमारा सिस्टम है उस सिस्टम को डैमेज करें, है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये तीन पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को सही तरीके से मैनेज करने की जरूरत है, ताकि लंबे समय तक हम उनको यूज कर सकें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमें मैनेज करना चाहिए, इस तरह से मैनेज करना चाहिए काफी लंबे समय तक हम उनको यूज कर सकते हैं।
तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जिनके बारे में हम लोग जानते हैं उनको क्यों मैनेज करना चाहिए, किस तरह से मैनेज करना चाहिए, ये भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, एक नेचुरल रिसोर्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इनका जो है कंजर्वेशन क्यों जरूरी है और किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे, है ना। तो बेसिकली फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि जैसे जब ये दुनिया बनी होगी तो उस टाइम में हर तरह के जानवर होते होंगे, हर तरह के जो है पेड़ पौधे होते होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें जो है वो चेंज होती गई हैं। जंगल कटते गए तो कुछ जानवर जो है वो कम होने लगे, कुछ जानवर जो है वो बढ़ने लगे। जैसा कि आप जानते हैं कई बार खेतों में टीडे होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं तो भी हमारे फसलों को नुकसान करते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे काम के होते हैं, जैसे केचुए होते हैं, हमारे काम के होते हैं, है ना। तो इन सब की कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत होती है, है ना। सारे जानवर जो हैं सबकी कुछ ना कुछ जरूरत है। तो सब जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि हर तरह के जानवर, हर तरह के पेड़ पौधे कुछ ना कुछ पर्टिकुलर संख्या में हमारे पास होने चाहिए, वो मेंटेन करना ही जो है एक तरह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना कहते हैं, है ना। तो इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इसमें डिटेल में, तो उसको पढ़ते हैं। वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज टू ट्राई एंड प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी वी हैव इनहेरिटेड। मतलब जो हमें मिला था बायोडाइवर्सिटी, हमें क्या मिला था, हर तरह के जानवर थे, हर तरह के पेड़ पौधे थे, पूरा जंगल था, बहुत सारा पानी था, वो सब चीजें जो है उसको हमें मेंटेन करना है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है उसको भी यहां पर बताया गया। मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज द नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड देयर एंड रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फाउंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मतलब कितने तरीके के स्पीसीज हैं, है ना, कितने तरीके के जीव जंतु हैं और कितनी संख्या में हैं, वो सारा चीज जो है वो इम्पॉर्टेंट है इस बायोडाइवर्सिटी में, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारा जो है, अगर हम लोग कहते हैं कि टाइगर को सेव करना है, अब टाइगर को सेव तो करना है लेकिन इतना भी संख्या नहीं बढ़ा देना है कि वो आकर आदमी को ही मार कर खाने लगे। तो उनका संख्या भी जरूरी है, जो नंबर है वो एक लिमिटेड वैल्यू तक ही होना चाहिए, लेकिन उनका रहना भी जरूरी है, वो होने भी चाहिए, है ना। तो हर जो एनिमल है, जो स्पीसीज है, उसका कुछ ना कुछ यूज है, तो सबको रहना चाहिए लेकिन एक लिमिटेड संख्या में रहना चाहिए, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहा गया है, है ना। सम पीपल लाइक ट्राइब्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, है ना। जो ट्राइब्स होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, वहीं से उनका खाना पीना सब कुछ, लकड़ी वकड़ी जो है ईंधन सब उनको वहीं से मिलता है। इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको जो है अब जो भी क्या कहते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं वो, उसके लिए उनको जो रॉ मटेरियल्स हैं, कई सारी चीज़ें जो है वो जंगलों से मिलती हैं, जैसे कई सारे हर्ब्स होते हैं, मेडिसिन दवाइयाँ होती हैं, है ना, वो उनको जंगलों से मिलता है। लकड़ी का अगर कोई सामान बना रहे हो तो लकड़ी भी उनको जंगलों से मिलता है, फल जो है वो जंगल से मिलता है, है ना। तो कई सारी चीजें जो है वो उनको जंगलों से मिलती है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो है फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है हमारी सरकार का होता है, उनके लिए वहां पर जमीन है, पेड़ पौधे सब उनके अंडर में होते हैं, तो वो भी उस पर डिपेंडेंट होते हैं कहीं ना कहीं। वाइल्ड लाइफ जो है, जैसे जानवर हो गए, वो भी डिपेंडेंट होते हैं उस पर। तो ये सारे लोग उस पर डिपेंडेंट होते हैं और कहीं ना कहीं उसका यूज कर रहे होते हैं। ट्राइब्स फाइंड देयर लाइवलीहुड फूड्स फ्रॉम फॉरेस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट फाइंड सम एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट टू रन देयर इंडस्ट्री लाइक फ्रूट्स, हर्ब्स, वुड्स। इन ब्रिटिश एरा फॉरेस्ट वेयर एक्सप्लॉइटेड एंड डिपेंडेंट पीपल वेयर फोर्स टू लिव इन अ लिमिटेड एरिया, है ना। जब ब्रिटिश हमारे यहाँ राज करते थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जंगलों पर भी अपना अधिकार जमाया और उसको कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए जंगलों को यूज किया, और वहाँ के जो जीव जंतु थे या लोग थे उनको वहाँ से बाहर करा गया, तो वो छोटे से लिमिटेड एरिया में रहने के लिए मजबूर हो गए। अब छोटे से एरिया में रहेंगे तो ऑब्वियसली जो है उनको कई सारी दिक्कतें आएंगी,
है ना। बाद में जो है कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट आ गए, मतलब जो नेचर को प्रेम करते हैं, ऐसा कहते हैं हम लोग नेचर को प्रेम करते हैं, तो हर जीव जंतु की रक्षा करने के लिए जो है वो जैसे सेव द टाइगर वाला एक अभियान चला था, वैसे ही कई सारे जो है अभियान वो चलाते हैं, पेड़ को बचाने के अभियान चलाते हैं, जानवरों को बचाने के लिए अभियान चलाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी जो है इन सब लोगों ने भी कहीं ना कहीं जंगलों को जो है अपने लिए यूज किया है, उसको एक्सप्लॉयट किया है। जैसे बता कि जो ट्राइब्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट वहां से निकालते हैं, तो वो तो एक्सप्लॉयट करते ही हैं, पेड़ को काटते होंगे लकड़ी के लिए, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें वहां से वो एक्सप्लॉयट करते थे। और ये जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा कि भाई हमारे यहाँ जो जानवर हैं, जैसे बड़े बड़े जानवर हो गए, टाइगर हो गए, लायन हो गए, तो ये सब जो है ये गायब होते जा रहे हैं, तो इनके लिए एक स्पेशल एरिया बनाया जाना चाहिए, है ना, एक जो है इनके लिए स्पेशल एरिया बनाना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया जहां पर ये रहेंगे। अब वहां पर ये रहेंगे, जानवर केवल रहेंगे, वहां पर आदमी नहीं जा सकते, है ना। जबकि जो नेचर ने हमें दिया था, जो सूर्य हमने दिया था, उसमें सब लोग रहते थे, मतलब आदमी भी रहते थे, जानवर भी रहते थे, पेड़ पर सब एक साथ में रहते थे, तो वो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी वहां पर ज्यादा थी, यहां पर जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो वो बायोडाइवर्सिटी को हमें मेंटेन करना चाहिए, जो यहां पर कहीं ना कहीं उसमें मेंटेन नहीं हो पाता है, है ना। तो यहां पर लिखा है आगे, इवन दोज पीपुल लाइक ट्राइब्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो एक्सप्लॉइट द फॉरेस्ट विच हार्म द बायोडाइवर्सिटी। इवन नेचर इंथोलॉजिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट हैव रिकॉग्नाइज सम लार्ज एनिमल्स लाइक लायंस एंड टाइगर्स टू बी प्रिजर्व्ड, बट दीज एनिमल्स आर बींग केप्ट इन एरिया वेयर ह्यूमन बींग कैन नॉट लिव, है ना। तो इनको, ये जानवरों को ऐसे जगहों पर रखा जाता है, ऐसे एरिया में रखा जाता है जहां पर आदमी नहीं जा सकते, आदमी नहीं जा सकते, तो यह भी बायोडाइवर्सिटी का वायलेशन है, है ना। दिस इज ऑल्सो द वायोलेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डिफॉरेस्टेशन हैज ऑल्सो कॉज द डैमेज टू बायोडाइवर्सिटी। डिफॉरेस्टेशन हुआ, मतलब हम लोग क्या करें कि जंगलों को काट करके खेत बना दिए, उसमें खेती होने लगी, बहुत सारे जगहों पर लोग रहने लगे, शहर बस गए, गांव बस गए, तो इससे भी जंगलों का जो है एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी जो है उसको नुकसान हुआ है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें जितना ज्यादा से ज्यादा जंगल जो है उनको बचाना चाहिए, उनको प्रिजर्व करना चाहिए, उनको जो है कंजर्व करना चाहिए, ठीक।